माँ, अरे जरा इधर रख सुनी। माँ, अब हमारा घर गांव में सबसे सुंदर है ना? हाँ, सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा बेटा गांव का सबसे सुंदर बेटा। और सुंदर बेटे का डैडी? सुंदर बेटे का डैडी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है। माँ, मेरे डैडी कभी आएंगे? बहुत जल्द आएंगे बेटा, बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलो चलो, तुम्हें आज स्कूल जाना है ना? चलो। किसी डेयरी फार्म से जाके पूछ लीजिए ना। क्या मुन्ना सवेरे सवेरे मूड खराब कर रहा है? जी बिल्कुल सीधा है, मगर लोनी फार्म तो बिक चुकी। मैंने खरीदी है। आपने खरीदी? आपसे मिलकर बड़ी की। क्या फायदा, जो भी यहाँ आता है बीवी बच्चा साथ लेकर आता है। बच्चे का नाम सुनील। जी, इसके पिता का नाम? जी। आप उनका नाम नहीं लेना चाहती तो लिख के बता दीजिए। विनोद सक्सेना। विनोद सक्सेना। माँ, मैं बिटिया को यहाँ रख सकता हूँ? वो यहाँ क्या करेगी बेटा? वो मेरे साथ बैठेगी। वो टीचर साहब डांटेंगे? नहीं डांटेंगे। अच्छा बाबा, रख लेना। लेकिन देखो शरारत मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा माँ। बच्चे का नाम सुनीला। आपका नाम? विनोद सक्सेना। क्या बात है, आप इस तरह मुझे? बड़ी अजीब बात है, अभी अभी एक बच्चे को दाखिल किया, उसका नाम भी सुनील है और बाप का नाम विनोद सक्सेना। सुनील और लड़की हुई तो सुनीला। आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी सोच रहा था कि बहुत ही अजीब बात है। सुनीला सक्सेना, पिता का नाम विनोद सक्सेना। सुनो, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं आई? मेरा भाई होता तो हम यहाँ क्यों आते? तो क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? है तो नहीं, लेकिन अच्छा है, आप बोले तो बना लो। बना लो। तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। अच्छा, तो इसीलिए टीचर ने बोला कि तुम मेरे भाई हो। अरे तुम इसको भी ले आए, टीचर को मालूम पड़ जाए। ये क्या है? ये कूपन है, इसे अपने को फ्री गिफ्ट मिलते हैं। कैसे? ये इसी से तो दिया था। ओ, आपके लिए जमा करूं? नहीं। क्यों? मेरी मम्मी कहती है किसी से भी कुछ चीज नहीं लेना चाहिए। मेरी मम्मी तो ऐसी है, चीज किसी की भी हो अच्छी लगे तो ले लेती है। ये बेचेगा क्या? चल चल फुट। दीदी दीदी, मुझे कुत्ता चाहिए। हेजलिन स्नो और हेजलिन ब्यूटी टेस्ट आपकी त्वचा को कोमल और सुंदर बनाता है। प्रतिदिन इसके इस्तेमाल से सुंदरता बढ़ाइए। ला देंगे। अब इस उम्र में कुत्ते खरीदने भेजो, जाओ खुद ही ले आओ मेरे सालग्राम के लिए। ओके डार्लिंग, तुम कहते हो तो मैं खुद ही खरीद लाऊंगी। हाउ स्वीट ऑफ यू। अपनी औलाद को कोई नहीं बेचता जमींदारन जी। मैडम, मैं आपका बेटा खरीदने नहीं आई, ये कुतिया खरीदने आई हूँ। ये मेरी बिटिया है। भाव बढ़ाने के लिए इसे बेटी कहो या भतीजी? क्या दाम लोगी? 100, 200? ज्यादा बातें सुनने की मैं आदी नहीं जमींदार जी। आप जाइए यहाँ से, वरना। वरना क्या? वरना मैं बताऊं, बिटिया बिटिया। खैर, दुनिया में जो चीज खरीदी नहीं जा सकती उसे हासिल करने के लिए और भी कई तरीके हैं। चलो किशन। नहीं, मुझे बिटिया चाहिए, मिल जाएगी। दीदी दीदी, मुझे कुत्ता चाहिए। क्या जानम,
मेरे सालम राम को कुत्ता लेकर नहीं दिया? नहीं बेचती वो, कहती है ये कुतिया बिटिया है। तो जाने दो। नहीं मुझे चाहिए। देखिए आप अपने लोगों से कह दीजिए ना कि उसे चुरा कर ले आए। चुरा कर? चमना कभी नहीं। नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी दादी को वचन दिया था फिर मरवा दिया। कुत्ता चाहिए फुट। ये क्या कर रही हो? मैं इस घर की मैल भी ले जाना नहीं चाहती। मत जाओ जानम, मत जाओ। तुम वही करोगे तो हुक्म दो ना। अबे ओ हराम साधो, जाओ उस कुतिया को चुरा लो। जब तुम्हें राखी बांधे तो ये 1 रुपया उसे दे देना। अच्छा अच्छा। अरे मास्टर जी आप? हाँ तुम्हारी मम्मी से राखी बंधवाने आया हूँ। 1 रुपया लाए हैं? हाँ हाँ लाया हूँ। तो जाइए। कौन हो तुम? मैं सुनीला का भाई हूँ, उसे राखी बंधवाने आया हूँ। देखो सुनीला का कोई भाई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं उससे राखी बनवा कर चला जाऊंगा। तुमसे कहा ना जाओ यहाँ से। सुनीला ने मुझे बुलाया। और सुनीला की माँ तुमसे यहाँ से जाने को कह रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चल। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, चल। कभी मत आना यहाँ। हे क्यों रो रहे हो तुम? सुनीला की मम्मी ने मुझे मारा। क्यों? मैं राखी बनवाने आया था, उसने मुझे घर से निकाल दिया। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं वो बहुत बुरी है, तुम्हें भी घर से निकाल देगी। नहीं नहीं मुझे घर से नहीं निकालेगी, चलो। फिर ले आ तुम इसको। देखो उषा जो खुशी तुम बच्चों को नहीं देना चाहती, अगर भगवान उन्हें दे रहा है तो उसमें तुम डाल के दे दियो। सुनीला, ओ सुनीला। यस डैडी। देखो बेटी सुनीता को बुलाओ और दोनों मिलकर इसे राखी बनवाओ। यस डैडी। दो से राखी बनवानी पड़ेगी। क्यों? मम्मी ने तो 1 रुपया दिया और यहाँ तो 2 बहने हैं। आपके पास 1 रुपया है? हुँ? मैं कल वापस कर दूंगा। ये लो। सुनीता आ गई, राखी बनवा लो। डैडी लीजिए वो मीठा कीजिए। बेटे तुम हमारा मीठा नहीं कराओगे? ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होंगे। नहीं होंगे तो फिर खाइए।
गुड मॉर्निंग मास्टर जी, मेरा मतलब नमस्ते जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ओह मास्टर जी, कभी हमारी तरफ भी नजर उठा कर तो देखो। मुश्किल काम है। आपको देख के तो नजरें छुप जाती हैं। और उसे देखकर? उन्हें देखकर भी छुप जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्हें देखकर इज्जत से झुकती हैं और आपको देख के शर्म से। अरे मास्टर जी, एक दिन मैंने भी तुम्हें शर्मसार ना किया तो मेरा नाम भी चमेली बाई नहीं। हाँ, और मैं भी चमेली बाई का अरे बड़ा भाई नहीं, छोटा। अरे मगर मारती क्यों है? अरे रो क्यों रहे हो? चलो चलो। अरे मोटू, पहलवान के बाप रोता क्यों है? अरे तुम जो चमेली बाई से मिलने नहीं आते। अरे तुम्हारी चमेली से तो क्या, मैं अपनी चमेली से भी नहीं मिल सका। जब से ये टेलरी की बच्ची यहाँ आई है, मेरा तो धंधा ही ठप हो गया है, एक ग्राहक नहीं आया। अरे बेवकूफ, तेरे को कपड़ा सीना नहीं आता है तो कौन ग्राहक आएगा तेरे पास? ग्राहक कैसे आएगा? इसके आने से पहले इस गांव के लोग क्या नंगे घूमते थे? चुप बदतमीज, चुप बदतमीज, ये सब शरारत तुम्हारी ही है। तुम मशीन ना दिलाते ना मेरी मशीन बंद होती। पंडित, अगर इतनी खुन्नस है तो इसे गांव से बाहर क्यों नहीं कर देते हो? गांव से बाहर तो क्या, बल्कि देश निकाला कर दो। अगर जमींदार का साला मैं होता तो अब तक ये गांव से बाहर जा चुकी होती, नहीं तो मेरे घर के अंदर। घर के अंदर? अरे मुर्दार, घर वाली तो संभाल ही नहीं जाती। और बोला घर के अंदर, चुप कर मैं। अरे अरे तो अरे 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 जब से ये नाखसमी गीता आई है, गांव के सभी मर्द बेमान हो रहे हैं। दीवान साहब, इससे तो मैं ही अच्छी हूँ, जो कुछ करती हूँ खुला मुखला करती हूँ, इसकी तरह बंद दरवाजे में तो नहीं करती। क्या क्या करती हूँ मैं बंद दरवाजे के पीछे? कौन से पाप करती हूँ? सब देख रहा है, सब सुन रहा है, फिर चुप क्यों है? क्यों नहीं बंद कर देता इन लोगों की जुबान? क्या है? सुनील और उसके डैडी तुमसे मिलने आए। मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। तुम फिर रो रही हो माँ? नहीं बेटे, उनसे कह दो मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। हमारी नन्ही बिटिया भी आपको पसंद करती है। बेटे, क्या नाम है इसका? बिटिया। और माने कहा है वो आज नहीं मिल सकती। क्यों? वो रोती थी। क्यों? मालूम नहीं, वो बहुत रोती है। अच्छा बेटे, हम लोग फिर कभी आएंगे। हाँ, बाय बाय। बाय बाय। तुम भी दीदी, 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 मुझे कुत्ता चाहिए। तुझे संरक्षण करा। इसे बिटिया चाहिए, उसे खरीद नहीं सकते, उसे चुरा नहीं सकते, क्या किया जाए? मरवा डालिए ना, ना रहेगा बाप, ना बजेगी बांसुरी। इसकी बेसुरी बांसुरी के लिए किसी की बिटिया को मरवा डाले? आपको ये करना ही होगा। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी नानी को वचन दिया था कि मैं कभी किसी को नहीं मरवाऊंगा। मेरे भाई के लिए भी नहीं, तुम्हारी अम्मा के लिए भी नहीं। नहीं 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 नहीं। फिर मरवा दिया ना, चल फुट फुट। यहाँ भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। हैं?
साड़ी पहनकर जिसको पहनकर आई थी मैं। मत जाओ जानू, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। तो फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी? करूंगा, एनी टाइम, एनी टाइम, प्लीज। ओ डार्लिंग। तो फिर हुक्म दो अभी। कौन था ये बेटा? ये मेहमान का चमचा। अच्छा, जो मैं घर छोड़ दूँ? घर नहीं, स्कूल। आओ। फिर तुम भी आ जाओ। जी। सुनील, इसे पकड़ो जरा। सुनील, मैंने जमींदार से पूछा था, उसने कहा कि उसका आदमी तो बिटिया को मारने आया ही नहीं। जितना मोटा है उतना झूठा है। मोटे तो तुम भी कम नहीं हो। क्या करूं, माँ इतना खिलाती है कि पेट फूल जाता। मेरी मम्मी तो ऐसी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, जैसी खुद सुखी है वैसी मेरे को भी बनाएगी। सुनीला, ये मम्मी ने सुना ना तो तुम्हारी मरम्मत कर देगी। वो तो वैसे भी करती रहती है, मम्मी हो तो सुनील की मम्मी जैसी, और डैडी हो तो सुनीला के डैडी जैसे। क्यों, अपने डैडी तुम्हें पसंद नहीं? उनसे कभी मिला नहीं हूँ। माँ कहती है सबसे सुंदर डैडी, मगर मैं कहता हूँ सबसे सुंदर आप हैं। तुमने अपने डैडी को देखा नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ऐसा करो, तुम मुझे अपने डैडी का नाम बता दो, मैं उन्हें तुमसे मिला दूँ। मेरे डैडी का डैडी, डैडी, मम्मी। क्यों, क्या हुआ? मेरा सर कहीं भी रुक जाती है, इसको अच्छी तरह ठीक करो नहीं तो मैं तुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। ड्रामा मत करो, बाहर आओ, मैं देखता हूँ। अरे बच्चों, जरा धक्का लगाओ प्लीज, आओ आओ, आ जाओ। हाँ माँ। अरे तुम लोग यहाँ आइए ना आंटी, आज हमारे डैडी से मिलिए ना। अरे मगर चलिए ना, चलिए ना माँ। ओ आओ उषा, हमारे डैडी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और मम्मी खुश नहीं होगी? बेटी सुन। अरे हकीम साहब आप? हाँ बेटी, जीती रहो बेटी, चल के अपनी चाची के लिए कुर्ता पजामा सी दे, बेचारी सब से कह रही है। हकीम साहब मैं कल। आज चल के सी दे बेटी, तुझे दुआएं देगी। अच्छा जाओ बेटा, चूल्हे के पास खाना पड़ा है वो खा लेना। चलिए हकीम साहब। चलो बेटी। भाई साहब मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, आप जरा साइड में ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भाई, अच्छा, थैंक यू। तुम भी आ गए? तो क्या हुआ? सुनील, डैडी रोज मुझे पढ़ाया करते हैं, तुम भी आ जाया करो ना। इसकी डैडी इसे पढ़ा दिया करेंगे, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र पड़ी है? उषा, डैडी इसके हो या उसके, बात तो एक ही है ना। क्या? अरे बाबा, बात तो पढ़ाई की है ना, अगर मैं पढ़ा दिया करूँ तो क्या हर्ज है? वहाँ दादी माँ के पोते पोते की रट से भागना पड़ा था, यह इसके भाई भाई की रट से मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन इस बार अकेले।
I'm sorry. हमारा ड्राइवर बहुत बेवकूफ है, आपके कीमती शिफॉन की साड़ी खराब कर दी। आपकी नजर है जिसने इसे शिफॉन बना दिया, वरना अपनी कमाई से तो मैं सिर्फ मलमल ही खरीद सकती हूँ। अपनी कमाई से तुम क्या कर सकती हो वो तो सभी जानते हैं। क्या मतलब? गांव में सबसे खूबसूरत घर है तुम्हारा, पंखा है, रेडियो है और कपड़े सीने की मशीन भी, ये सब तुम अपनी कमाई से तो खरीद सकती हो लेकिन मशीन की कमाई से नहीं। एक चोर को सभी चोर नजर आते हैं जमींदारन। गीता अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। और सिर्फ इतना कहूंगी कि एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछालने से पहले तुम जैसी औरत को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी नंगी कि न कोई दामन है न दामन में झांकने के लिए नजर। सच्ची बात कहने पर मुझे थप्पड़ मारने का तुम्हें हक है क्योंकि तुम अमीर हो, लेकिन मैं चूंकि गरीब हूँ और गरीब को जितना दबाया जाए वो उतना उभरता है, इसलिए थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने का हक मुझे भी है, है। अब मजा आएगा सैलरी की बच्ची। आज के बाद मेरे खिलाफ जिस किसी ने कुछ भी कहा मैं उसकी यही हालत करूंगी। चलिए शैतानी जी। जमींदारन जी आप फिक्र न कीजिए, मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा। आप भी किसके मुंह लगती हैं जमींदारन, जानती नहीं ये हरामी बच्चे की माँ है। बेटा हरामी क्या होता है ये पूछ के तुम्हें क्या करना है? स्कूल में बच्चे मुझे हरामी कहते हैं। बेटा चाचा नेहरू कह गए थे ना कि आराम हराम होता है, इसलिए जो आदमी आराम करता है उसे हरामी कहते हैं। तो फिर मैं हरामी नहीं हूँ। हाँ अच्छा बोलो, R-A-T रेट। रेट माने चूहा। That's good। अच्छा तुम बोलो C-A-T कैट। कैट माने बिल्ली। तुम कैट कहते हुए मेरी मम्मी को क्यों देखते हो? इसे घर जाने के लिए देरी नहीं हो रही है क्या? मैं थोड़ी ही देर में चला जाऊंगा। अरे देखो आ गया हरामी। ए हरामी! मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं हरामी नहीं हूँ। अरे हरामी वो होता है जिसका बाप ना हो। मेरा बाप है। तूने क्या तो कभी देखा है? अगर है तो तेरी माँ को क्यों काम करना पड़ता है? अगर है तो यहाँ क्यों नहीं आता है? इसका कोई हो तब कोई आए ना। कृष्ण देखो जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है। इसका भी गॉड है, ये गॉड का बेटा है। अरे वाह मिस साहब, कभी गॉड का भी बेटा होता है? हाँ, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं वो भी गॉड का बेटा है। वो देखो, जाओ बेटा जाओ। तुम मेरे डैडी को डैडी कहा करो। वो मेरे डैडी नहीं है। अगर वो तुम्हें बेटा कह सकते हैं तो तुम भी उन्हें डैडी कहो। सुनीला डैडी। हेलो सुनील। हेलो डैडी। तू मुझे पिता कहे मैं तुझे बेटा कहूँ, लाडले ऐसा कहाँ मेरा नसीब है तू मेरा कोई। सुनील ने आपको डैडी कहा, आपको बहुत अच्छा लगा? मेरा अपना बेटा होता। माँ माँ मुझे डैडी ने दिया। डैडी? हाँ सुनीला के डैडी। खबरदार तू किसी को अपना डैडी नहीं कहेगा। अगर वो मुझे बेटा कह सकते हैं तो मैं उन्हें डैडी क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो तेरे डैडी नहीं है। तो फिर मेरे डैडी कौन है बोलो माँ? वो यहाँ से नहीं आते। तुझे कहा ना एक दिन आ जाएंगे, स्कूल से आया है चल खाना खा ले। पहले मुझे बता मेरे कोई डैडी है या मैं हरामी हूँ? सुनील सब लोग मुझे हरामी कहते हैं। गलत कहते हैं, झूठ है वो सब। तो मेरे डैडी कहाँ हैं? वो तुमको पैसे क्यों नहीं भेजते? तुमको काम क्यों करना पड़ता है? सुनील मुझे ये सब बातें मत किया करो। पहले मुझे बताओ मेरे कोई डैडी है या मैं सचमुच हरामी हूँ? सुनील ये लफ्ज़ तूने फिर मुंह से निकाला तो
मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं जरूर कहूंगा। क्या मैं हरामी हूँ? पहले मुझे बताओ, क्या मैं हरामी हूँ? सुनिए सुनिए सुनिए, मत बोलो। क्या मैं हरामी हूँ? सुनिए बोल, तू फिर नहीं कहेगा। जरूर कहूंगा, तू मेरे मारो फिर नहीं कहेगा। माँ चल उठ के हाथ मुंह धो ले। सुना नहीं? नन्ही सी जान आग की तरह गल रही है और आपने अभी तक इसका इलाज ही नहीं कराया। मुझे तो अभी पता चला हकीम साहब कि इसे इतना बुखार है। इसे दवा दीजिए हकीम साहब। इसे दवा की जरूरत नहीं है पुजारी जी, इसके लिए दुआ कीजिए। हकीम साहब, पुजारी जी आप शहर से डॉक्टर बुलवाइए। मैं अभी जाता हूँ बेटी। कलेजे पे पत्थर रख लो बेटी, या आपने भगवान से प्रार्थना करो वो इसे अच्छा कर दे।